हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन बॉलीवुड और आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। तो आज एक और नई रिपोर्ट के साथ हम हाजिर हो चुके हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की, जिन पर कुछ लोगों ने सवाल क्या उठाया उसके बाद उन्होंने अपने ही अंदाज में लोगों को जवाब दिया। अमिताभ बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए एक कविता के जरिए लोगों के सवालों का जवाब दिया। अमिताभ की इस कविता को पढ़कर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिग बी कोरोना और उससे जुड़ी लोगों की मदद पर अपनी बात रख रहे हैं। सदी के महानायक की यह कविता अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं अमिताभ ने एक दूसरा पोस्ट शेयर करते हुए 2020 को डिलीट करने की बात की है। चलिए आपको पूरी कहानी यहाँ पर बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि अगर आपने एनएन बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी एनएन बॉलीवुड को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो ये बेल आपको दिखाई दे रही है ना उसे प्रेस करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसके जरिए ही जब भी हम कुछ नया अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के तौर पर वो खबर आप तक पहुँच जाएगी। तो अब ये रिपोर्ट आप ज़रूर देखें। अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, एक ने दिया और कह दिया कि दिया, दूसरे ने दिया और कहा कि नहीं कि दिया, दूसरी श्रेणी में ही रहने दो मुझे ये प्रियजन, जिसे मिला वो क्या जाने किसने दिया, जानो उसका बस करुण क्रंदन। इन हालातों में और क्या कहा जाए, जो जाने मुझे जाने, मैं तो सदा भाव से ही रहा हूँ कम सुखन। बिग बी के इस पोस्ट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो दान देने के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। वहीं अमिताभ बच्चन ने दूसरा पोस्ट फैंस के साथ शेयर करते हुए लिखा, क्या हम साल 2020 को डिलीट कर दोबारा से नया रीइंस्टॉल नहीं कर सकते, इसमें वायरस है। अमिताभ इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और लोगों को इस महामारी के लिए जागरूक भी करते रहते हैं। इन दिनों अमिताभ अपनी पुरानी तस्वीरों को शेयर करते हुए कविताएं भी लिख रहे हैं। अपने इस इंस्टाग्राम पोस्ट में अमिताभ ने लिखा, इन दिनों में आते हैं अनगिनत न जाने कितने ख्याल मन में, उठ खड़ा हो जाता हूँ जल्द उनको मैं निभाने में, किस किस को निभाऊं किस किस को ना, मानिए फुर्सत के कुछ और पल हुआ करते थे पहले, अब तो सब बदल ही गए इस जमाने में। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली। अब आपको बता देते हैं कि आने वाले दिनों में अमिताभ बच्चन कुछ ऐसी फिल्मों में नजर आएंगे जिनका दर्शक अभी से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहली फिल्म है ब्रह्मास्त्र, जिसमें उनका एक अहम किरदार होगा, लेकिन ये किरदार क्या होगा अभी तक इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद एक और फिल्म उनकी बहुत जल्द पर्दे पर आ जाएगी जिसका नाम होगा चेहरे, और साथ ही झुंड फिल्म में भी वो एक अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। तो एक बार फिर से कह देते हैं, अगर आपने एनएन बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।